Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. मेरा नाम प्रभात कुमार है और हम सभी आज विशेष शिक्षक यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो अधिकार हमको हमारा संविधान और न्यायालय देता है वो ज़मीनी स्तर पर हमको होता हुआ दिखाई नहीं देता है, जिसके तहत हम यहाँ आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, हमारे बैनर पर हमारी दो मांगें लिखी हुई हैं। हमारा विरोध है विशेष शिक्षकों और विशेष बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में। मैं आपको बता दूं, 2009 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसके तहत भारत के सभी स्कूलों में दो स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए। और मैं आपको ये भी दिखा सकता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन इक्वलेंट होगी बीएड जनरल के। तो उसके बाद हमने उसके बाद अभी आरटीआई डाली 2018 में, 2017 में, 2019 में, और आज स्थिति ये है पूरे 10 साल के बाद, 2009 से 2019 तक 10 साल हो चुके हैं और 10 या 15 पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन में 10 या 15 विशेष शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मतलब इतने सारे बच्चे जो कि विकलांगता हैं, और हर स्कूल में दो स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए जिसके तहत दो दो स्पेशल होने चाहिए, लेकिन है नहीं। और आप देख सकते हैं पूरे भारत में कहीं पर भी दो प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, वहाँ पर विशेष शिक्षकों की बेहद कमी है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का अगला कदम होना चाहिए कि वो जो ये टीचर की कमी बता रहे हैं, ये किसी विशेष राज्य के लिए मांग उठा रहे हैं आप या सभी राज्यों को मिलाकर? ये सभी राज्यों को मिलाकर बता रहे हैं। मैं आपको निश्चित रूप विशेष रूप से बता देता हूँ, झारखंड में अभी फिलहाल ही में एक केस हुआ है, उसमें हमारे साथियों ने विशेष शिक्षा की जो डिग्री होल्डर हैं सामान्य शिक्षकों की भर्ती में, उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया और उनको इस बिहाब पे वहाँ से निकाल दिया कि आपके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है और आप केवल स्पेशल एजुकेशन को ही पढ़ाएंगे। आज इन तमाम मांगों को लेकर आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, कितने दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं या आज ही दिल्ली के जंतर मंतर? हमारा प्रदर्शन पहले एक BHU से शुरू हुआ था और उसके बाद आज हम पहली बार इसको यहाँ पर धरने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई? अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई, हमारा कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है। तो अभी अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर पे, अभी अगर आपकी मांग सरकार पूरी नहीं करती है, आगे के क्या कदम आपके? हमारे आगे के कदम है कि हम RCI जाएंगे, MHRD में जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे अगर यहाँ से हमारी सुनवाई नहीं होती है। आज ज्ञापन किस चीज को दिया आपने? आज हमने ज्ञापन MHRD को दिया है और PMO को दिया है। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। मुकेश कुमार जी, जैसे हम देख रहे दिल्ली के जंतर मंतर पे आए और जो टीचरों की खाली वैकेंसी है उसके उसमें आप लोग यहाँ पे आए जी, तो क्या आप लोगों की मांगे हैं? जो टीचर है ये सभी किसी विशेष राज्य के लिए आप मांग करें या सभी राज्यों? नहीं सर, हमारी जो मांग है वो संपूर्ण भारत के लिए है। और सर मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मांग है स्पेशल एजुकेटर की, हमारे स्पेशल एजुकेटर के साथ पूर्णतः भेदभाव का व्यवहार ये भारत सरकार कर रही है। सर समावेशी शिक्षा की बात संपूर्ण देश में जोरों शोरों से चल रही है। कि RCI क्यों नहीं NCT के माध्यम से संपर्क साधती है? और आज देश के अंदर जो विशेष शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है, विशेष शिक्षकों को समान शिक्षकों की तरह दर्जा नहीं दिया जा रहा है, RCI क्यों नहीं काम कर रही है? सर NCT कभी भी 1000 रुपीज नहीं लेती, लेकिन RCI हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपीज लेती है, हमारा रजिस्ट्रेशन करती है, फिर भी RCI हमारे लिए काम क्यों नहीं करती है? आज विशेष शिक्षकों को बहुत समस्या आ गई है सर, वो बेरोजगारी के कगार पर है। तो आप कमी किसकी नजर आती है? सर हाँ, कमी यह है सर, पूर्णतः कमी है RCI की। जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है, मैं आपके TV चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 100% हम लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है, उसके लिए RCI के चेयरपर्सन है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप तमाम मांगों को लेकर किसको ज्ञापन दे रहे हैं और क्या मांग? सर हमारे साथी ने MHRD को भी दिया है, PMO को भी दिया है, और उसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि हमारा इस मांगों को आप अपने TV चैनल पर जरूर दिखाएं, ताकि जो हमारे RCI के चेयरपर्सन हैं उनको ये बात समझ में आ जाए कि हम जिन विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करते हैं
जिन कॉलेजेस को एजुकेशन की मान्यता देते हैं वैसे स्टूडेंट्स की क्या हाल है। जिस तो तरीके से देश की सरकार छात्रों के बारे में और शिक्षकों के बारे में बात करती है और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई डिफिकल्ट है क्या? सर मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी भारत की सरकार है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बिल्कुल जमीनी स्तर पर नहीं है सर। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपको पता होगा सर UNCRPD के अंतर्गत अभी नया एक्ट बना है RPWD एक्ट, उस एक्ट में भी समावेशी शिक्षा की बात कही गई है और प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षकों की नियुक्ति की भी बात कही गई है, लेकिन आज तक ये बाहरी सरकार हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। तो हम सर आपके TV चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण देश के सरकारों को बताना चाहते हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, स्पेशल एजुकेटर के साथ सर भेदभाव ना किया जाए, स्पेशल एजुकेटर को सामान्य BEd की तरह ही मान्यता दिया जाए, जो समान हमारे शिक्षक हैं उसकी तरह इसकी नियुक्ति भी किया जाए। और सर सबसे दुखद की बात यह है कि जो हमारे स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ भी स्पेशल एजुकेटर नहीं है। ठीक है, तो आज देश के अंदर समावेशी शिक्षा की अत्यंत ही चिंतनीय स्थिति है सर। आप दिल्ली के जंतर मंतर आप इन लोगों के साथ आई हैं, आपकी क्या राय है इनके लिए? सर अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले जब ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने विकलांग जो शब्द है उसको रिप्लेस करके दिव्यांग कर दिया, तो क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ये चेंज लाने से ही विकलांगों को विकलांग न कह के दिव्यांग लेने से उनको उनके सारे हक मिल गए? क्या वो मुख्य धारा में आ गए? और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए क्या उन पे उनका कभी ध्यान गया? तो आप क्या मांग कर रही हैं? मैं बस ये मांग कर रही हूँ कि जो एम्बिग्विटी है स्पेशल एजुकेशन और रेगुलर टीचर की इक्विवेलेंस की, ये ख़त्म होनी चाहिए। या तो फिर आप ये बंद कर दो, आप बोल दो कि हम नहीं पढ़ा सकते किसी ऐसे बच्चे को, हमें सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो सिर्फ रिसोर्स बन सके हमारे लिए, बाकी हमें कोई नहीं चाहिए, या तो क्लियर कर दो। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं आपको बिल्कुल एक समरी टाइप में बताता हूँ क्या क्या हो क्या रहा है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया था वो 1995 में उठाया गया था भारत में, जिसमें एक एक्ट लागू किया गया था, उसके अंदर 7 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई थी, उसी को जस्ट रिनोवेशन करके एक नया एक्ट लागू किया 2016 में, जिसका नाम रख दिया गया सेम वही और आर आगे लगा दिया कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। जब 7 डिसेबिलिटी को आप पढ़ा नहीं पा रहे थे तो 21 डिसेबिलिटी को जोड़ने की क्या जरूरत थी उसके अंदर? अगर आप बोलते हो स्पेशल एजुकेटर नहीं होने चाहिए तो ये 21 डिसेबिलिटी को क्यों जोड़ा आपने, पहली बात। दूसरी बात शिक्षा के ऊपर आते हैं, 2009 में एक एक्ट लागू किया गया जिसका नाम रखा गया था RTE राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी सबको। सेकेंड थिंग एक और चीज़ इसमें कहा गया है कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, कोई भी बच्चा अगर आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आता है इवन उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। एक भेदभाव किया जा रहा है बिल्कुल बहुत ज्यादा टीचर के साथ भी और जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं उनके साथ। इसके लिए मैं एक वर्ड देना चाहूंगा, वो है गुमराह। ये गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ गोल गोल बातें घुमाई जा रही है। एक तरफ तो आप पेपर पे ये कह रहे हो कि भाई सबको एजुकेशन मिलेगी, फ्री मिलेगी, कंपलसरी मिलेगी, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी मिलेगी। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।